हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए टेक सॉल्यूशंस को और क्वालिटी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू टेक सॉल्यूशंस। सो आज इस वीडियो में मैं एंटी रोल बैक फीचर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद एंटी रोल बैक के बारे में जो भी डाउट्स आपके मन में हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप कैसे ऑफिशियली MIUI 10 से MIUI 9 पे जा सकते हैं और कस्टम रोम से MIUI पे जा सकते हैं और बाकी जो डाउट्स है सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना एंड मुझे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं आप कैसे MIUI 10 से MIUI 9 पे ऑफिशियली जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा, MIUI के तरफ से जब भी कोई नया रोम आता है तो उसमें Xiaomi Anti-4, Anti-3, Anti-5 इसको इनेबल करके देता है। तो आपको ये पहले देखना होगा आप कौन सा एंटी में है। अगर आप Anti-4 में है तो आप Anti-4 का जो रोम्स है उस पे डाउनग्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप MIUI 10 के लेटेस्ट वर्जन में है तो आप Anti-4 में हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं आप कैसे इसको चेक करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने फोन को फास्ट बूट मोड पे लाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से आपको ये टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इसको आप टाइप करने के बाद आपको दिखा देगा आप कौन सा एंटी में है। अगर आप Anti-4 में है तो आप MIUI 9 का जो Anti-4 बिल्ड है यानी कि MIUI 9.5.19 में Anti-4 है तो आप उसमें डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप उससे कम यानी कि 9.5.17 या उससे भी लोअर वर्जन में जाते हैं तो आपका फोन 100% चांस है ब्रिक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको Anti-4 में ही डाउनग्रेड करना पड़ेगा जो कि है MIUI 9.5.19 पे। एंड अगर MIUI 9 का नेक्स्ट अपडेट में Anti-5 आ जाता है तो आप सिर्फ Anti-5 से ही उस रोम पे डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप Anti-4 से उस रोम पे डाउनग्रेड करते हैं तो आपका फोन ब्रिक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आप Anti-4 में हैं तो आप Anti-4 रोम में ही डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप Anti-3 में हैं तो आप Anti-3 जो रोम है उसमें ही डाउनग्रेड कर सकते हैं। आप जिस वर्षन में हैं आप सिर्फ उस वर्षन के रोम पे ही आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आपका फोन ब्रिक्ट हो जाएगा। तो इसका मैं एक लाइव सैंपल आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं MIUI 10 से MIUI 9.5.19 का जो अपडेट है वहाँ पर जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं MIUI 10 का 8.8.2 अपडेट में हूँ। तो यहाँ से मैं MIUI 5 का जो 9.5.19 है वहाँ पर डाउनग्रेड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरा स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली ये तो लाइव प्रूफ है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा फ़ोन ब्रिक होता है कि नहीं। तो TWRP रिकवरी में मैं बूट करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं TWRP रिकवरी में बूट कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं माउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा को वाइप कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब जाके जो MIUI है उसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं MIUI का 9.5.19 पे मैं यहाँ पर बूट कर रहा हूँ। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो MIUI 9 का जो रोम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको रिबूट करके देखते हैं मेरा फ़ोन ब्रिक होता है कि नहीं। तो इसके से पहले ये वाइप कर लेता हूँ। तो रिबूट सिस्टम, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 9 पे मैं डाउनग्रेड कर चुका हूँ बिना किसी ब्रिक्ड हुए। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया है, मेरा फ़ोन एकदम भी ब्रिक नहीं हुआ है। आप भी इसको कर सकते हैं, ये ऑफिशियल तरीका है। और फिर भी अगर आप
दूसरा या पुराना कोई रोम में जाना चाहते हैं यानी कि 9.5.14, 9.5.17, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहां से उस रोम को डाउनलोड करके उसको फ्लैश कीजिए। अगर आप दूसरा कोई रोम को डाउनलोड करके फ्लैश करेंगे तो आपका फ़ोन 100% ब्रिक हो जाएगा, तो आप ज़रूर उस रोम को वहाँ से डाउनग्रेड कीजिए। तो अब आते हैं कस्टम रोम से आप कैसे अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप मैसिव प्रो में हैं या दूसरा कोई MIUI 10 का जो लेटेस्ट रोम्स आ रहा है अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा यानी कि अगर आप जिस रोम पे हैं उस रोम का एंटीका कौन सा वर्शन है। यानी कि अगर आप मैसिव क्रोम 2.2 पे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आप ND3 या ND4 में हैं। तो अगर आप ND4 में हैं तो आपको ND4 का जो रोम्स है वहाँ पर ही डाउनग्रेड करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको समझाया था, वही लॉजिक इसमें भी काम करेगा। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आप कौन सा एंटी में है। तो आई थिंक कस्टम रोम्स का जो डाउट्स है वो भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो आप आते हैं अगर आपका फ़ोन ब्रिक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो दो तरीका है, आप अपना फ़ोन घर में ही ठीक कर सकते हैं या आपको सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सब लोग ही जा सकते हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपना आपका फ़ोन को खोलना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो EDL मोड है उसको इनेबल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक वीडियो को सजेस्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आप अपने ब्रिक फोन को फ्लैश कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आप कैसे अपने फ़ोन को ब्रिक से बचा सकते हैं। तो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपका काम आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर रोज़ क्वालिटी टेक वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता हूँ और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरा जो सोशल लिंक्स है आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।